शिमला से 140 किलोमीटर दूर सतलुज दरिया किनारे स्थित ये शहर है रामपुरपुर शहर। ऊंचाई 3,300 फुट। तिब्बत से सीमाएं जुड़े होने के कारण प्राचीन काल से ही रामपुर बुशहर का व्यापारिक और राजनीतिक महत्व रहा है। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान तिब्बत व्यापार बंद होने के बावजूद आज भी यहाँ पहले जैसी व्यापारिक कहमा कहमी रहती है। हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह लगता है व्यापार मेला लवी, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय मेले की मान्यता प्राप्त है। सन 1681 से लवी प्रारंभ हुई थी, जब तिब्बत के सेनापति ग्यालदन चेवंग और बुशहर के हमारे राजा केहरी सिंह के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ था। और एक उसी वक्त से ये उन्होंने एक कसम खाई थी कि हम अपने व्यापारिक आदान प्रदान को बनाए रखने के लिए, अपनी मैत्री को बनाए रखने के लिए ये मेला प्रारंभ करते हैं। और तभी से ये 11 नवंबर से 14 नवंबर तक पहले से ही ये मनाया जा रहा है। इस मेले की खासियत यह है, लोग अपने जो लोकल प्रोड्यूस हैं, तिब्बत से है, हमारे किन्नौर से है, स्पीति से है, लोग यहाँ आते हैं, उसको यहाँ बेचते हैं। उसको बेचने के बाद जो उन्हें पैसा मिलता है, वो अपनी उससे जरूरियात की चीज़ें जो है, डेली नीड की जो चीज़ है, उसको खरीद के यहाँ जाते हैं, ताकि उनका अपना साल, क्योंकि पर फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए लोग अपने साल का गुजारा 6 महीने का करके ले जाते हैं, खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। इस मेले में मुख्यतः कुल्लू, शिमला और जनजातीय क्षेत्र किन्नौर तथा लाहौल स्पीति के लोगों की भागीदारी रहती है। यहाँ शिल्पकार, दस्तकार और व्यापारी आते हैं और बेचते हैं सूखे मेवे, ऊनी वस्त्र, जिनमें खास तौर से किन्नौरी शॉलें और गुदमा यानी कंबल शामिल हैं। मेरे 6 लड़के और 4 बहू इस वक्त काम कार्यरत है अपने इलाके में, इसी यही चीज़ बना रहे हैं। और इस लवी फेयर में लगभग कोई लाख के करीब, 1 लाख रुपए के करीब जो है हम माल बेचते हैं, जिससे पूरी फैमिली जो है हमारा, मतलब सारे साल का इनकम होती है। मैं काफ़ी दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है, ये भी हम दोनों मिल के करते हैं जिन काम को।
सारा साल करते रहते हैं जी। मेन प्रोजेक्ट लगाया घर में ही अपना, खटिया लगाई है जी, बाकी और सारी फैमिली जो है ना जी मेरी ये काम करती है जी। कितने की है जी? कितने की? 1500 जी। घरवाली बनाते उसको जी, घरवाली बनाते उसको, फिर हमारे पास फिर बेचने के लिए दे देते, बेचने वाले फिर हम होते, फिर वो बेचना नहीं जानते हो, हम खुद बेचेंगे उसको। कोई कोई और तो बेचना भी जानती है बाजे बाजे में, मतलब सब नहीं बेचते, पर ये जो है ये तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ होती हो, क्योंकि जो सुई होती है सुई से बनाते उनको, इधर से लगा देना फिर बार बार इधर इधर, फिर फूल बनेगा ये बनेगा, फिर सुई से बनता रहेगा, फिर बीच में हो जाएगा, फिर चक कट्ठे हो जाएंगे, फिर बेचने के लिए तैयार हो गए, फिर खुशी मनाना, अपने जान पहचान मिलना, जान पहचान के साथ बातचीत करना, साल का एक बार मिलना, इधर आके साथे से भाई बार भी करना, खुशी ना तीन दिन लोई जो तो आजाद है, जो खाना चाहता वो खाता, जो पीना चाहता वो पीता, जो काम करना चाहता वो काम, ऐसे लोई का ऐसे बेचना खरीदना सब ऐसे है ना। हम साल का एक बात आता है, यार दोस्त मिल जाता है, फिर यहाँ लोई आता है, फिर साल का एक ही पेड़ आता है ना जी, उस पर वो दूर दूर का सब मिल जाता है जी, नहीं तो मिलता ही नहीं है, घर में तो मिलता ही नहीं है, अपने अपने घर में होता है, फिर यहाँ लोई में तो सब मिल जाता है जी। लवी का बहाना करके अपने सहेली से कोई रिश्तेदार कहीं दूर से आदि खुश हुआ हुआ वहाँ मिलने के लिए लवी में आते हैं, गाना बाना करते हैं, नाटी लगाते हैं, शाम को सर्कस देखने को जाते हैं, कहीं बाजार में देखने को जाते हैं, घूमने को। जो कपड़े के पट्टू की इसमें तो डट के आदमी होते हैं, बड़ा मजा आता है, धूमधाम लगी हुई, कोई रोटी पकाने लगे हुए, कोई चाय पीने लगे हुए, कोई पकौड़े सन्नल बनाने लगे हुए, कोई जलेबी बनाने लगे हुए, कई किस्म के आदमी है, मजा आता है सर, मतलब बहुत मजा आता है, अपने अपने बिजनेस है, अपने अपने बिजनेस में सबको मजा आता है, किसी को सिर्फ तम्बाकू पीने में मजा आता है। Ha ha ha!
हमने जो मतलब साल में दो चार जो बनाना है गुदमा या पट्टी बनाया कुछ भी बनाया ना जी, वो साल में हम एक ही बार बनाएंगे, वो बेचेंगे हम आकर के लवी में, इसके बाद जो हम नहीं बेचेंगे इसको, जो यहाँ बिका बिक गया, नहीं बिका तो फिर स्टोर है ना जी, तो इसको हम घर में या कहीं भी नहीं बेचेंगे, तो साल में एक ही बार जो है वो चीज़ यहीं बिक जाता है। ये तो वाइट है, सफेद है। इनको निकालो ना, इनको निकाल दो। कितने हैं? बोलो ना जी, सही बात। ठीक बोलो। ठीक, बिल्कुल। गर्मियों में अपना खेती बाड़ियों का काम में होते हैं, परिवार दिन को काम करेंगे खेतों में। सर्दी में हमारे होते हैं कि घास जानवरों के लिए, आदमी के राशन लकड़ पानी सब अंदर बाहर भर पाते हैं, अंदर बैठ के बस अपना ऊन हम उसका कटाई करते हैं, तैयार करते हैं पर लवी के लिए, कुछ अपना पहनने के लिए, कुछ लवी के लिए। खेती बाड़ी करता कोई, अब तो अभी तो सारा ऐसे सेब का काम, सेब लगाता अपने खेत में, पानी लगाना, गुड़ाई करना। सर्दियों में? सर्दी में तो बर्फ गिरेगा ना, तब तो अंदर बैठेगा हम, ऊन करना। सर्दी के लिए हमारा राशन पानी सब कठा रखना, ग्राहत की पिश की रखना, फिर वो अंदर बैठ के खाना। तीन महीना कोई भुनता कोई काटता ऐसे, ए ना ए कोई ए शॉल बनाता, कोई ए गलेचा बनाता लड़की लो, कोई मशीन सिलाता। जोलीशेप में लवी के टाइम तो काफ़ी लोगों को शौक होता है खरीदने का, अपनी ऊन पशम चिलगोजा बेच के थोड़ा बहुत जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है वो परचेज करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। यहाँ से जाते हैं, उनके मेले वगैरह लगते हैं, गांव में शादी होती है तो लवी में ही खरीद के ले जाते हैं। यहाँ आके पट्टी गुदमा बेचते हैं, फिर उसका ऊन कुछ कपड़े कुपड़े ऐसा अपना सामान खरीद के ले जाते हैं। कोई सोना चांदी लेते हैं, बर्तन लेते हैं। कितने देंगे बोलो?
11 तारीख को लवी खुलती है 11वें महीने, ये फिक्स डेट है जी। ये अच्छी धूमधाम से मनाई जाती है जी। ये कनौर वाले, ये कनौरी मेला है, ये कनौर वाले मनाते हैं मेला। ये पंजाब वाले भी यहाँ आते हैं, हम लोग ये रजाई लेकर आते हैं। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ आते जी। ये हर साल माल खरीदते हैं, ये उसको कनौर वाले ख़त्म कर देते हैं, नए साल से फिर ले लेते हैं। हर साल नहीं रजाई हम नहीं ले देते। तो कितनी सेल हो जाती है? हम तो 1200 रजाई लाते हैं जी, 1200 लाते हैं हर साल। ये हमारा सारा माल बिक जाता है, गद्दा बिक जाता, दरी बिक जाती है, चद्दर भी, गुलाब भी, सराना भी, हम बेच के चले जाते हैं घर को। ये रंगीन है, रंगीन टीवी भी जो है ना जी, कोई 10,000 का, 12,000 रुपए का, 13,000 रुपए का। फिर लवी के मेले के ऊपर कंपनियों ने स्कीम रखी हुई है। दिले शांगा होली हामा दे शांगाली नी तो दोलो दे शांगलोनी माया होली माली जो याली चराम नी हाली ना मांगा रवानी चा होली देश क्यों दे शांगाली तो क्यों। 13 साल का था, मेरे पिताजी के साथ में हमारे गांव में स्कूल बहुत दूर था, रामपुर से आगे स्कूल नहीं था, सड़क नहीं थे। हम लोग पहले पहले पुराना लोग थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं थे, हैं जी। तो हम तो पिताजी के साथ तिब्बत जाते थे, जाकर फिर पेट पकड़ी पर ऊन पश्चिम लाद के यहाँ रामपुर तक पैदल आना पड़ता था जी। अब तो बहुत खुशी, अब तो ज़माना बदल गया जी, बहुत अच्छा है, दुनिया सब सारा इकट्ठा है। उस टाइम में बिक्री भी नहीं थे, पैसे के मुश्किल था। अब तो पैसे खुला है, अब तो हर चीज़ सामने मिल जाता है। जिस पैसे वाला खरीद देते हैं, बेचते हैं, बस उस दिनों तो पैसे का मुश्किल था जी। हमारे जितना भी लेन देन होते ना आपस में यहाँ पर परिवार पालने के लिए, तो यहाँ लवी में होते। हम मान लो आपसे मैंने 1,000 रुपया लिया होगा, तो आते लवी तक हम यहाँ पर उसको चुकाते थे। मेले का मतलब मिलना है। आप दिल्ली से आए हैं, हम किन्नौर से, आप अपना उससे आए हैं, हम अपना बिजनेस के लिए आए हैं। किसी का गुदमा होते हैं बेचने को, किसी का ऊन पश्चिम पट्टियाँ हर एक चीज़ मिलती है ना यहाँ पर, इससे हम मिलावट हो जाएंगे। नहीं तो आप कहाँ मिलने थे? हम किन्नौर में, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप इसी तरह सब यहाँ मिल जाते हैं हर इंसान। लेकिन एवन हम गाँव में भी हम इसे नहीं मिल पाते आपस में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के काफ़ी लंबा इलाका है, तो जब घर से बाहर निकले तो ही मिलोगे। ये ऐसा चीज़ है कि लवी जो है तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से आदि हम मिलते हैं यहाँ पर। व्यापारिक खरीदो फरोख्त के अलावा इस मेले का दिलचस्प पहलू है सहज रूप से होने वाला ये सांस्कृतिक आदान प्रदान। शाम ढलते ही ये दुकानें बन जाती हैं छोटे छोटे घर,
और शुरू होता है सिलसिला एक साथ मिल बैठने, पकाने, खाने, गाने और नाचने का। ये सब इनके किसी प्रदर्शन का नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। मेले में जब एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर स्कूल के बड़े मैदान में चल रहा था एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखना ये है कि इस तरह के आयोजन इस सामुदायिक माहौल और संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। मेला आरंभ होने से चार पांच दिन पहले लगती है घोड़ों की व्यापार प्रदर्शनी। इसमें विभिन्न नस्लों के घोड़ों के खरीदार, व्यापारी और पारखी हिस्सा लेते हैं। चमूर्थी नस्ल का घोड़ा इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण रहता है। ये मेला ही है यहाँ घोड़े का, खास करके तो मेला ही होता है घोड़े का, यहाँ बिकता है, यहाँ से खरीद के ले जाते लोग। गाँव गाँव से जो खरीदने वाला यहीं आता है, बेचने वाले भी यहीं आता है, इसी मंडी में खरीदने वाला खास करके तो गिडवाली आते हैं, गिडवाल नाखा से। वो बड़े शौक रखते हैं घोड़े का, पहचान भी है उनको घोड़े का, ऐप के बारे में कैसे क्या क्या ऐप होता है, कैसे नस्ल के घोड़ा होना चाहिए। और बेचने वाले चमुर्थी से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, अब तो तिब्बत बंद हो गया, और सीपीती का तो अभी तक चले हुए हैं, सीपीती से आते हैं घोड़े। सीपीती वाले का घोड़ा सबसे मशहूरी माना जाता है, नस्ल के अच्छे है जी, पहले से माना हुआ है सीपीती का पशु जी, चमूर्ति का नस्ल माना हुआ जी। बाकी हमारे किन्नौर का जी फिर उससे सेकंड नंबर में मानते हैं जी, फिर कुल्लू मनाली का वो थर्ड में मानते हैं जी, सबसे नस्ल चमूर्ति का अच्छा है माना हुआ जी। अच्छा, चमूर्ति घोड़े की क्या खासियत होती है? इनका दिल डोल अच्छे होते हैं और चाल में तेज होते हैं चलने में जी, जैसा कि एक पढ़ा लिखा आदमी है एक अनपढ़ आदमी है जी उसका समान में होते हैं। चमूर्ति पशु चलने में या 100 पशु के बीच में भी ले जाओ अकेला चल पड़ेगा जी, जैसा कि किन्नौर को घोड़े और 100 पशु में डंडे मार मार के भी नहीं चलते गए। जय पुकार टारे जो चोपड़ा ना खीले पटे ना रेणे शीरा डाड़ू बिलानू बीले बीले के बोलिए गुण वे कंडी वे थिंगे जाता राले नीरू वे तू आए कुणी कंडी ना हूँ जाता राले मेरे को सामा दुखी कुणी थे आते दारू कुणी लांदो जानी मुखी। किन्नर के क्या चीज मशहूर नहीं है, बेदाम है, खुमानी है, सेब है, पालम है, नस्पति है, अंगूर है, सब कुछ है ना। घोड़ा किनौरा का है, कुदमा किनौरा का है, पाटी किनौरा का है, सब कुछ किनौरा का है। क्या चाहती है? अभी अच्छा है, ऐसे ही खुशी रहना चाहता है हम तो, ऐसे ही खुशी गाँव में होगा भी, अपने घर में होगा भी, परिवार के साथ अच्छा रुसूख, अच्छा खुशी से वो अच्छा रहना चाहिए। वही है जिंदगी, तो ऐसा ही करके बिताना। Thank you.
हिमालय में अब तक सुरक्षित रही इन जनजातियों की अपनी विशेष जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब वक्त है सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर किए जाने वाले आयोजनों के ढंग तरीकों की परख का और लुप्त हो रही इन संस्कृतियों के संरक्षण के लिए कुछ संजीदा कदम उठाने का।